तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट तो हम कर चुके हैं लास्ट टाइम से। 2 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, किसी को कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं आनी चाहिए, है ना। तो हर जगह हीरोइंस फार्मूला ही लगाना है। ये दोनों के दोनों एक्सरसाइज जो है वो दैट आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द हीरोइंस फार्मूला एंड हीरोइंस फार्मूला इज़ आई थिंक नाउ क्लियर टू यू। ठीक है, हीरोइंस फार्मूला कब हम लगाते हैं, जब हमें तीनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स दी गई हों। ठीक है, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट, दिस इज द फॉर्मूला दैट इज अप्लाइड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, व्हेन वी आर गिवन विद थ्री साइड्स, है ना। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, एक एक्सरसाइज तो पूरी की थी आपने, देखा था बहुत ईजी थी वो। दोबारा दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी ईजी क्योंकि ये पूरी की पूरी हीरोइंस फार्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, सिर्फ आपने क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन समझ लोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 12.2 के, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन, उसने पिक्चर बनाई है एरोप्लेन की विद कलर्ड पेपर, किसके साथ, कलर्ड पेपर के साथ, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में शो किया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, अब ये बताना है हमें कि कितना पेपर इसमें यूज़ किया गया है, जो पेपर यूज़ किया गया है उसका एरिया कितना है। पेपर पे ड्रॉ किया ना उसने एरोप्लेन, ठीक है, पिक्चर बनाई है उसने, तो पेज का कुछ पोर्शन यूज़ किया गया है, कितना एरिया यूज़ किया गया है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये पिक्चर किस शेप की है, है ना। बिकॉज हम तो एरियाज़ निकाल सकते हैं बाई यूजिंग द फार्मूला, और फार्मूला क्या है, अलग अलग फिगर्स का अलग अलग है। ठीक है, देखिए इसमें उन्होंने खुद ही हमारे लिए बहुत इजी कर दिया है, इस एरोप्लेन को 5 फिगर्स में डिवाइड कर दिया है। दिख रहा है आपको 1, 2, 3, 4 और 5 साइड पे। जो फर्स्ट फिगर है आई थिंक दैट इज़ इन द शेप ऑफ ट्रायंगल, सेकंड फिगर देखो रेक्टेंगल है, थर्ड फिगर देखो ट्रेपीजियम है, फोर्थ अगेन ट्रायंगल एंड फिफ्थ इज अगेन ट्रायंगल, है ना। तो हम इस तरह से 5 फिगर्स का एरिया निकाल लेंगे और 5 को प्लस कर लेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर देखिए ट्रायंगल है जिसमें एक साइड दिख रही है 5 सेंटीमीटर, तो नेचुरली दूसरे भी 5 है ना, और थर्ड जो साइड है बेस जो है उसके ऊपर लिखा हुआ 1 है ना, तो दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीनों साइड्स दी हैं, जब तीन साइड्स दी है तो हम लगा सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द हीरोइंस फार्मूला, है ना। ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल पूरा निकालना होगा। अगर आइसोसेलेस की जगह इक्विलेटरल ट्राइंगल होता तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हमने ड्राइव किया है ना बाय हीरोइंस फार्मूला, क्या है वो, ए स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू रूट 3, वेयर ए इज़ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। याद है ना, भूलना नहीं है बच्चे, जो कर लिया। ठीक है, तो चलिए देखिए हम 5 फिगर्स का एरिया निकाल लेंगे और सबको प्लस कर लेंगे तो हमें आ जाएगा एरिया ऑफ पेपर यूज। देखो फर्स्ट हमारा दिख रहा है स्केलेन ट्रायंगल, तो हमें लगाना पड़ेगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। सेकेंड फिगर हमारी रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय सॉरी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ दिख रही है हमें 6.5, ब्रेथ दिख रही है 1। देखो 1 के सामने जो साइड है उसकी उन्होंने दोबारा से नहीं दिया, वो भी 1 होगी। जैसे फर्स्ट फिगर में 5 है तो सामने वाले भी 5 होगी ना, है ना। थर्ड फिगर ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 × b1 + b2 × height। फोर्थ फिगर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो सीधी सीधी लाइंस है ना, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है, जिसमें हमें जो एक साइड है वो 6 सेंटीमीटर दी है, मतलब जो परपेंडिकुलर है वो 6 सेंटीमीटर दिया और बेस जो है 1.5 सेंटीमीटर दी है, और फोर्थ और फिफ्थ फिगर दोनों आइडेंटिकल्स हैं, दिख रही है ना। तो देखिए अब इसमें सिर्फ हमें कैलकुलेशंस देखनी है। देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करके निकाला, तो कैलकुलेशंस करते करते एस माइनस ए भी निकाल लिया, एस माइनस बी देखो एस माइनस सी। ठीक है, जब एरिया निकाला तो मैंने आपको बताया था हम जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उसको अलग कर लेते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, करते करते जब हमने किया तो देखा जो एरिया है फर्स्ट फिगर का वो आ रहा है 3/4 × √11 cm². ओके, एरिया ऑफ फिगर सेकेंड जो है वो हमारा रेक्टेंगल है, तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 6.5 आ गया। एरिया ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सेम है, ठीक है, तो 1/2 × base × height,
वो हमारा आ गया 4.5। ओके, फिफ्थ फिगर जो है ना बेटा वो हमारी ट्रेपीजियम है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने 8th क्लास में किया था, मैंने आपको बोला था इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग 9th क्लास में करोगे। तो 8th की मिसलिनियस में ऐसा क्वेश्चन आया था, हमें ट्रेपीजियम दी है, हमें जो थर्ड फिगर दी है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू बी वन प्लस बी टू इंटू हाइट। अब इसमें हाइट नहीं है, अब मैं अगर हाइट ड्रॉ कर लेती हूँ इस पर तो भी हाइट निकालना मुश्किल है। तो मैंने क्या किया, इस फिगर में जो थी मैंने इसको नाम दे दिया पहले, इस ट्रेपीजियम को ए बी सी डी। फिर एक कंस्ट्रक्शन क्या किया कि मैंने डी से डी ई लाइन ड्रॉ की पैरेलल ए बी के। जब ये डी ई मैंने पैरेलल ड्रॉ की ए बी के, ये ट्रेपीजियम है, ए डी पहले ही पैरेलल थी बी सी के, एक फोर साइडेड फिगर जिसमें दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल हो जाए वो पैरेललोग्राम बन जाती है। अब ए बी ई डी एक पैरेललोग्राम बन गई और दूसरी तरफ एक ट्रायंगल रह गया। ठीक है, देखो बेटा ए डी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब जो बी ई है वो भी 1 सेंटीमीटर होगी क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर आ गई, वहाँ पर ए बी जो होगी वो डी ई के बराबर होगी, वो भी 1 सेंटीमीटर, तो पैरेललोग्राम की चारों साइड्स मेरे पास आ गई। ठीक है, अब इतना करके भी मेरा काम नहीं बनेगा क्योंकि हाइट नहीं है। ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर ऑन बी सी, जब बी सी पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी एफ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी, वो बन गई हाइट। ठीक है, वो ट्राइंगल की भी हाइट बनी और पैरेललोग्राम की भी हाइट बनी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने निकाल लिया क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया ना, देखो 1 1 1 हर तरफ बच रहा है, तो ये आ गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बाय हीरोंस फार्मूला किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रूट 3। ए यहाँ पर साइड क्या है 1 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू रूट 3, यह बन गया 1/4 इंटू रूट 3, दैट इज रूट 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह थर्ड फिगर का आ गया। अब सॉरी अभी थर्ड फिगर का नहीं आया है, ये सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल आया। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल लिया, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट निकाल के मैंने यहाँ से हाइट निकाली। ठीक है, जब हाइट आ गई तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके बराबर है, 1/2 इंटू बी वन प्लस बी टू इंटू हाइट। तो 1/2, बी वन क्या है 1, बी टू क्या है 2, दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई बाय हाइट हमने अभी कैलकुलेशंस किए, तो जो एरिया आया ट्रेपीजियम का वो क्या आया मेरे पास 3/4 इंटू रूट 3। सो एरिया ऑफ पेपर यूज इज इक्वल्स टू फर्स्ट फिगर प्लस सेकंड फिगर प्लस थर्ड फिगर प्लस फोर्थ फिगर प्लस फिफ्थ फिगर। जब मैंने सबको प्लस किया तो मेरे पास एरिया क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेट एरिया जो आया वो आया 19.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशंस को बेटा ध्यान से नज़र लगाओ और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले मुझे यहाँ बताओ इस क्वेश्चन में, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है।